सज्जनगढ़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लल्लू भाई कंपाउंड मानकुर में रहने वाले लोगों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। सरकार जहां नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं इस जगह पर रहने वाले लोग सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें हर दिन गंदगी और बीमारी के बीच दिन गुजारना पड़ रहा है। MMRDA के अधिकारियों से लेकर वहाँ के कॉन्ट्रेक्टर सुपरवाइजर के मिली भगत से जानवरों की जिंदगी जीने वाले रहवासी नरक में रहने के लिए मजबूर हैं। आपको दिखाते हैं पहले कॉन्ट्रेक्टर और सुपरवाइजर की बातें, जिन्हें यह भी नहीं पता कि इस जगह पर जो काम चल रहा है टेम्पररी है या परमानेंट। और सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब MMRDA के ऑफिसर भी इस जगह का विजिट करके चले जाते हैं और उनको इस टूटे फूटे पाइपलाइन चेम्बर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में कोई कमी नजर नहीं आता। लाइन किधर है इसमें? ये आपने अभी बनाया डाला हुआ लाइन है? हाँ। मैडम ये अभी डाला हुआ लाइन है सर, ये डाला हुआ लाइन है ना? हाँ, ये तो अभी से गिर रहा है, पूरा क्रैक है। ये आपका ये तोड़ा हुआ है, और पहली बात ये चेम्बर लेकिन ये आपने नहीं है, ये नया बनाया हुआ है ना? ये तोड़ा हुआ है और नहीं सर, ये नया नया बनाया हुआ है सर, ये नहीं है सर, नया लेकिन नया बांधकाम किया है ना ये सर, नया बांधकाम है ना? नया बांधकाम क्रेसेंट, जो इसको भूगा बोलते हैं मराठी में, क्रेस रेती है क्या? ये वालू है? नहीं वालू नहीं है ना, नहीं, टेंडर में वो वालू। शांति जैन, आपका क्या है इधर, क्या पोस्ट है? प्रोजेक्ट कौन सा कंपनी है, क्या है? लैंडमार्क कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो आपका है? ठीक है। तो ये इतना गलत काम हो रहा था तो आपने देखा नहीं क्या सर? मिस्टेक हो गया तो टेम्पररी सर निकाल रहा है, मैं निकाल के फिर से करने को बोला है। टेम्पररी लाइन है ये, धान जमा होता है इसलिए टेम्पररी लाइन डाल के रखा था। ये टेम्पर वाली लाइन डाला है? टेम्पररी है मैंने, ऐसा कभी कुछ बोले नहीं टेम्पर वाली करके। पब्लिक को तो कहना हो गया कि एक पाइप हम लोग पानी है वो आगे भी से निकाल दिया सब पाइप मैंने। साइड इंजीनियर बराबर है, जी ही लाइन टाकले परमानंट है का टेम्पररी? आत्ताच्या कंडिशनला म्हणताय का तुम्ही? काय नाही नाही सर, हा जो आपण काय म्हणून टाकले हे आतापर्यंत काम झाला, हा काम परमनंट काम होणार होता का टेम्पररी काम होणार होता? परमनंट होणार होतं। मग हे त्यांचे साईट इन्चार्ज जे कंपनीचे ते म्हणतात की हा आम्ही टेम्पररी काम केलंय। तुम्ही साईट विजिट काय करता? काय विजिट करता? कच्चा कर रहे हैं, एक मिनिट रुको, काय बोलायचं उन्हों हमको क्लिअर करके बताओ ये रहिवासी को कि ये लाइन जो आज तक टेम्पररी लाइन है पूरा निकाल के नया लाइन सर, ये अभी तक काम आपने किया वो परमानेंट? अभिजीत सर क्या आपका पाटिल सर, ये अभी तक काम किया वो परमानेंट काम करके होने वाला था क्या? ये टेम्पररी काम करके हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है? अब जो विजिट कर रहे थे वो क्या बेस पे कर रहे थे, ये टेम्पररी था का परमानेंट लाइन था? आपका विजिट क्या चीज का कर रहे थे आप? वो परमानेंट लाइन था करने का था इसलिए कर रहे थे, पर वो गलत हुआ इसलिए उनको काटने के निकालने के लिए बोल दिया, वो अभी परमानेंट नहीं है काम। हाँ सर, अभी ये चेंज होना है, ये बात खत्म हो गया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमने ये ये टेम्पररी मतलब किसके लिए मालूम है? जो हम नया लाइन ला रहे हैं उसके बदले में हम लोग ने ये टेम्पररी लाइन डाल के रखा है, ऐसा है क्या? क्योंकि इन्होंने अभी बोला है वैसा। तो एक मिनट, आज तक इतना काम हुआ जो MMRDA के जो उन्होंने PMC यहाँ पे देखरेख के लिए रखा है MMRDA ने, वो बोल रहे ये परमानेंट काम हो रहा था, आप बोल रहे ये टेम्पररी आज तक काम हो रहा था, मतलब ये टेम्पररी किस टाइप का काम था हमको बताइए, जो पाइपलाइन हो गया सब मटेरियल हो गया? वो पाइपलाइन तो अंदर का धान लेके आने के लिए है, ये पाइपलाइन। अच्छा हम लोग एक मिनट काम बंद करने के लिए बोला तभी सर, ये काम जो है जिसपे मैं खड़ा हूँ ये भी काम टेम्पररी है क्या सर? पाटील सर ये पण जे MMRDA ऑफिसर आले होते 64A आणि कोण ऑफिसर यांनी विजिट कोणत्या कामाची केली आणि कोणती लाइन तुम्ही चेंज करायला सांगितली? जो चुकीचा काम झाला होता कोणता काम झाला होता आम्हाला इकडे दाखवा, आणि कोणती लाइन काढायला सांगितली साहेब तुम्ही? पण सर ही लाइन फिक्स परमानंट काम होणार होता म्हणून इकडे सर्वे चालू होता ना, मग तो म्हणते ते म्हणते की हा एवढा सगळा काम तात्पुरते लाइन आहे लिया, और MMRDA ने क्या ऐसा उनको काम दिया था कि वो काम क्यों खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन क्या होगा वो हमको बताओ। अभी बारिश आया है, हम जनता 6 महीने के लिए ICD अभी 52 नंबर में हमको अपने रहने के लिए छोड़ दी है, 52 नंबर 53 नंबर बिल्डिंग हम पानी में और गंदाई में रहने वाले, आप क्या बोले बारिश के बाद में काम होगा?
अभी हम चिकड़ में रहने वाले, वो लोग बोल रहे आप लोग भी रहने के लिए रेडी है ना? आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या एक्शन लोगे और क्या उसमें बदला होगा वो हमको इसमें चाहिए, प्रूफ के साथ चाहिए। अभी वो बारिश आया करके आप उनको जब हमने यहाँ के रहवासियों से पूछा तो उनका आइए जानते हैं इस पर क्या कहना है। जाते हैं एम एम आडीला तो कुनी आमच नहीं आते, विचार पूछ करत नहीं है, सगळे आमचे पैसे फुटलेले आहेत, पुरे बिडे गादा खाली ते ढासायचा आहे, एवढी घाण झालेली आजारी पडायला लागले, एवढी देखील तर पाळा आमची तुम्ही रोग चालू होतील, मग ते मरणार माणसं त्याला साफ करणार का एवढी हे सगळं घाण सांगून सांगून वास येतो, चक्कर मच्छर वास मलेरिया तर एवढा आजारी पडतात, मलेरिया येतो, ताप येतो, खरोखर तुला सर्वांचा एवढा आशीर्वाद मिळेल ना तर धन्यवाद देता, एवढा साहेबचा नाव मोडा आला पाहिजे अशी आम्ही तुला गॅरंटी देतो। आम्ही गरीब लोक या ठिकाणी जे एम एम आर डी एच एक्झिट पॉलिसीच्या अंतर्गत वन टाइम हा काम जो पास होऊन आलेला आहे टेंडर, तर एम एम आर डीने दोन कॉन्ट्रॅक्टरला हे काम दिलेलं आहे, एक तर वरचं टॅरेज लिकेज पाईपलाईन पाण्याचं वॉटर प्रूफिंग आउटसाइड टॉयलेट बाथरूमच्या लाईन सगळ्या रिपेरिंग खाली सज्जा रिपेरिंग, त्याच्यानंतर हे शुगर लाईन वगैरे सगळं पेस्ट आणि ब्लॉक बसवणं खाली फ्लोरिंगला पॅशेज मधलं हे सगळं एम एम आर डीनं टेंडर पास केलेलं आहे। टेंडर आमच्या माहितीनुसार कमी कमी मला वाटतं हे काम त्यांनी काढलेलं आहे, पण आता सध्याचं काम जे चालू आहे ते खूप एकदम गलिच्छ पद्धतीचं काम चालू आहे, जी त्यांनी शुगर लाईन बनवायला घेतली, आता ही इकडे सगळी माणसं जी जमायत बिल्डिंग नंबर 66 ची आहेत, कॅमेऱ्यामध्ये जे शूट केलंय ते काम हे एम एम आर डीनं शुगर लाईनचं बनवलेलं आहे, शुगर लाईन त्यांनी बनवायचं काम चालू केलं, पण एवढा दलिक्ष आणि एवढ्या घाणेरड्या पद्धतीचा त्यांनी माल आणि काम चालू केला की इथले रहिवासी त्यांना विचारत होते हा कोणत्या प्रकारचं काम करताय, किती लेबर लावलेत, तीन चार लेबर लावलेत, ट्रेमध्ये माल बनवत होते आणि माल बनवल्याच्या नंतर केलेला बांधकाम जरासा पाय लागला तरी तो पडत होता। रहिवाशांना ही गली इथे राहणारी ही जेवढे रहिवासी आहेत ती जिवंत माणसं आहेत, पण मेलेल्या मुर्द्यासारखी ह्या इथे राहत आहेत या घाणीमध्ये, या संडास बाथरूमच्या ह्या घाण पाण्यामध्ये ह्या लोकांना इथे जीवन जगावं लागत आहे, फक्त याच्यासाठी की एम एम आर डीने काढले टेंडर पण त्यांचं काम करण्याची पद्धत एकदम चुकीची आहे। एम एम आर डीचे जे ऑफिसर आहेत 64 साहेब ते मिस्टर 64 साहेब इकडे कधी व्हिजिट करतच नाही आणि ते बोलतात मी व्हिजिट करतो, पण ते कधी गपचूप येतात कॉन्ट्रॅक्टरच्या ऑफिसमध्ये बसतात आणि निघून जातात रहिवाशांपर्यंत। आजपर्यंत तुम्हाला कधी भेटले काय? कधीच नाही भेटले आम्हाला आजपर्यंत रहिवाशी तुम्हाला भेटले? नाही नाही भेटले। तुमची मागणी काय आहे? इथून आम्ही रहिवाशी आहे आणि ते आता काम चालू केलेलं, पण ते काम त्या लोकांनी काय बरोबर केलं नाही 64 साहेबनी। आता आम्हाला इथे राहून 8-9 वर्ष झाली, या 9 वर्षामध्ये या घाणीमध्ये आम्ही किती 7-8 लेटर आणि किती असे फोटो पाठवले, पण त्या लोकांनी काही आमचं ऐकलं नाही, काय नाही। भेटायला गेलं तर ते बोलायचे की आम्हाला टाईम नाही, तुम्ही बाहेर निघून जावा, एक माणूस पाठवा, आणि एक माणूस जरी पाठवला तर त्यांना बस 2 मिनिटं बोला, काय ते फटाफट बोला, माझ्याकडे टाईम नाही आहे असे करून आम्हाला बोलले, पण कधी त्यांनी आमची भेट नाही घेतली, काय नाही। आणि आता जे आता काम चालू केलं तेव्हा इथे पण आम्ही थांबवायचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी विचारलं आम्हाला तुमचा संबंध काय, काय संबंध म्हणजे काय, आमचं काय ह्याच्यात काय हक्क नाही का, आम्ही इथे राहतो तर म्हणजे आमचं काय तर कामं व्यवस्थित करून द्या ना, नाही तर आम्हाला काम नको, कारण आम्ही एवढ्या वर्षात राहिलो राणीत राहिलो, एक अजून थोडा दिवस आम्ही राहू, पण आम्हाला हे अशी कामं नाही पाहिजे, हे आता एवढे हाल आहेत, नंतर पावसात किती आलो नाही आमचे, आणि आता लपोच ते पायपासून संडास गळत हे गळत ते आमच्या लोकांना बिमारी किती, आम्ही राहणार कसं, जगायचं कामी मारायचं, पाईपलाईन फुटलेली आहे सर्व किती असं राहून आम्हाला कामं नाही पाहिजे, आम्हाला व्यवस्थित करून दिली एकदम तर ठीक आहे, नाही तर आम्हाला अजिबात ती कामं नाही पाहिजे। सी सेक्टरचा हा 11 बिल्डिंगचा टेंडर आहे, हे पास करून मनोज पटकने साहेबांनी ह्याचं उद्घाटन केलेलं आहे, तर सदर ह्या कामावरती आम्ही देखरेख करत असलेली पब्लिक जनता इकडची आम्हाला फोन करते की साहेब बघा असं असं काम चाललेलं असं आहे, ते कारण कॉन्ट्रॅक्टर किंवा जे साहेब लोक आहेत हे त्यांना कोणती एक माहिती देत नाही पूर्ण आणि त्यांचं ऐकत नाही, त्यासाठी ते आमच्या प्रतिनिधींकडे येतात की असं असं काम चाललेलं आहे, आम्ही निदर्शनात आणण्यासाठी वारंवार त्यांच्या माहिती देतोय 64 साहेब किंवा सोनावणे साहेब किंवा रणजित साहेब, हे रणजित साहेब
काम चांगले करायचे विभागामध्ये, पण त्या अधिकाऱ्याला तिथनं काढण्यात आलं. आणि जे उमेश सर आहेत हे पण वारंवार मीटिंग हँडल करत आहेत, पण चौसटे साहेब याच्यावरती कोणते एक दखल आणि कोणते एक पाणी करत नाही. आणि ते तिथे गेल्याच्या नंतर बोलतात की मी पाणी करून आलो, पण स्थानिक रहिवासी किंवा स्थानिक प्रतिनिधी ह्याला कधी त्यांनी सांगितलेलं नाही. मी साईड व्हिजिट केली. आज हे पहिल्याच बिल्डिंगचं काम नाही आहे, ह्याच्या अगोदर त्यांनी बिल्डिंग नंबर 51 पण असंच केलं होतं. आणि हे काम 66 नंबरचं आज आहे. आज रहिवाशी खूप तकलीफमध्ये आहे. आम्ही वारंवार आज 20 दिवसापासून त्यांना सांगतोय की साहेब तुम्ही येऊन व्हिजिट करा, पण कोणताही अधिकारी इथं व्हिजिट करत नाही. कॉन्ट्रॅक्टर दादागिरीनी काम करत आहे, तर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरला कोणतरी अधिकारी पाठीशी घालत आहे. तर ह्याच्यावरती आम्हाला मनोज कोटक संसद यांना बोलणं आहे की साहेब ह्याच्यावरती लवकरच्या लवकर कारवाई झाली पाहिजे आणि जनतेला जनतेचा भेटला पाहिजे. आप एक बार उनको शूट कीजिए मैडम. यहाँ पे हम लोग पिछले बहुत साल से ये काम हेमामाड़ी को करने के लिए एग्जिट पॉलिसी के अंतर्गत, वन टाइम एग्जिट पॉलिसी अंतर्गत ये काम होने वाला है. 2019 से हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं. हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधि है दत्ताराम सावड़ेकर, इनके मार्फत हम लोग हेमामाड़ी और यहाँ के हमारे जो सांसद है उनके अंतर्गत उनके मार्गदर्शन के नीचे हम लोग यमामाटी को बार बार हम लोग पत्र व्यवहार करें कि हमारे सोसाइटी का जो कंडीशन है आज जो आप दिखा रहे उसका पूरा लीकेज का प्रॉब्लम है. आउटसाइड का ये टॉयलेट बाथरूम की पाइपलाइन खराब है, शुअर लाइन खराब है. यहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन ये लोग जिंदा है लेकिन मरे हुए मुर्दे के जैसे इस गंदाई के अंदर ये लोग रहते हैं. और हमारा लोगों का रहना और उनकी बीमारी पकड़ना बहुत ज़्यादा प्रमाण है. हम लोग ने वारंवार ये यमामाटी को पत्र व्यवहार किया है 2019 से, और उससे पहले से हम लोगों ने बताया कि यहाँ का हमारा मेंटेनेंस करो कि जो मेंटेनेंस हमारी सोसाइटी कर नहीं सकती है, और सोसाइटी का उतना मतलब ये भी नहीं है या इनकम भी नहीं है कि वो इसका मेंटेनेंस करे. वो एमएमआरडी के अंतर्गत मेंटेनेंस करे करके हमने बार बार ये पत्र व्यवहार किया है. इस पत्र व्यवहार का एमएमआरडी से कोई जवाब मिलता नहीं. जो सोसाइटी उधर सोसाइटी के मार्फत जो यमामाटी के पीछे पत्र व्यवहार के लिए हम लोग दौड़ते हैं, वहाँ पे ऑफिसर रहते हैं 64 साहब लोकेत 64 साहब, उनका कोई हमको रिस्पांस नहीं मिलता है. हम मिलने का कोशिश करते हैं लेकिन वो मिलते भी नहीं, वो सबसे बड़ा समस्या है. और ये टेंडर अभी पास हुआ है, ये टोटल 11 बिल्डिंग का टेंडर पास हुआ है. ये 11 बिल्डिंग का पास हुआ है लेकिन मार्च में इसका टेंडर पास हुआ है. उसके बाजू गए लोगों ने इसी मेन रोड के जो बिल्डिंग है, चार पांच बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का काम चालू किया है. वो बिल्डिंग का भी कंडीशन बहुत खराब है, जो अपने अभी आपसे गंदा ही है और सबसे लोग ज्यादा बीमार हो रहे. मैंने बहुत बार कोशिश किया कि वारंवार सोसाइटी का और रहवासी भी सोसाइटी में आके परेशान हमको कर दे, क्योंकि उनका हक है. वो हक के लिए आते कि सोसाइटी ये सोसाइटी का ऑफिस है और सोसाइटी में पदाधिकारी ये उनका अधिकार है उनके पास जाना, और वो उनकी समस्या लेके हम लोग बार बार ऊपर जा रहे हैं एमएमआरडी में, लेकिन एमएमआरडी में कोई सुनवाई नहीं. ये जो 64 साहब है ये पिछले कई सालों से, इसके पहला भी 51 का भी टेंडर पास किया था, उसका भी काम का ऐसा ही किया, एक टाइम किया, दो टाइम किया, ये एक ही टाइम तीन चार बार काम करते हैं लेकिन काम कोई अच्छा नहीं कर रहे. अभी मैंने उनको बोला था ये मेरे पाइप लाइन का है, वो बोले कि ये सब काम तुम्हारा बिल्डिंग का है, वो बारिश के बाद में होगा. मैंने बोला था कि हमारा बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा बेकार कंडीशन है तो आप इसको सबसे पहला प्राधान्य दो. तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, पहला उसको पूरा करेंगे तब करेंगे. मैं बोला ठीक है सर, आपको बारिश के बाद में करना है करो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या है ये पीछे की रहने वाले लोगों का, और पीछे का ये शोर लाइन है जो दिख रहा है, ये मैंने सोसाइटी का पैसा खर्चा करके बहुत साफ करने का कोशिश किया लेकिन ये साफ होता नहीं, क्योंकि इसका शुअर लाइन पूरा खराब है, पूरा डैमेज है, अंदर दब गया लाइन, और इसके वजह से चूहा लगा है पूरा लाइन में और ये पूरा शुअर लाइन में, इसलिए इसका कंडीशन भी खराब है. मैंने उनके मेरी मांग यही थी कि सर एक काम करो, आप वो काम आपका बाकी का जो कर रहे हो बाद में करो, लेकिन ये मेरे का पीछे का लाइन जितना है वो मुझे क्लियर करके दो कि लोग सगुन से आराम से अपने घर में रहे. क्या क्या अधिकारी 64 साहेब यांचा निषेध, कॉन्ट्रॅक्टरचा निषेध, इथे काम करणाऱ्या सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टर आणि एमएमआरडी ऑफिसरांचा निषेध, 64 साहेबांचा निषेध, कॉन्ट्रॅक्टरचा
निषेध करतो।